आपका काका नाम क्या है? धर्मेश भाई। धर्मेश भाई, आपने इधर बहुत सालों से आता है, पहले कुछ कम आदमी आता था, कम डबला आता था और रात को लाड़वा बनता था, हमागासी पे देखता था, हमागासी पे सोता था, तब इतना सुविधा नहीं था यहाँ। आज आप लोगों के सहयोग से चौवालों का उतारा हुआ, रोज मनोरथ भी तो गऊ का भी है और ब्राह्मण का। भरत भाई इधर आओ, यमुना जी के सर में नीचे। प्रश्न पूछो जो थे भरत भाई। मैं काफी, जय श्री कृष्ण, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया। मैं काफी सालों से आपको, आपके सखा मंडल को गाय की सेवा के प्रति दर शनिवार को और रात को 12-1 बजे पे आप जाते हैं यहाँ हमेशा, तो ये लगभग इसमें संख्या कुछ बढ़ती जा रही है। दिन ब दिन बढ़ती जा रही है शाखाओं की भी आपके बराबर, सही और क्वांटिटी भी। हाँ, क्वांटिटी भी। आज अभी अभी हर शनिवार को 200 किलो बनाते हैं, 200 किलो हर शनिवार को। उत्सव होता है तब 1200 किलो, 1300 किलो, 1400 किलो, आज 600 किलो का सामग्री, फिर 600 किलो का संग्रह के बाद फिर बनेगा, आज फिर बनेगा, फिर बनेगा, फिर 1200 किलो, 1200 किलो हो जाएगा। अच्छा, अपने यहाँ राजकोट में टोटल कितनी गौशाला है? राजकोट में 51 जैसी है। अच्छा, 51 गौशाला है, जिसमें सबसे बढ़िया श्री जी गौशाला है। गौशाला बहुत बढ़िया, अच्छी वाली, बहुत लगभग इनमें 51 गायों गौशालाओं में टोटल कितनी गायों का होगी क्वांटिटी अपनी समझ में? कितनी? 51 गौशालाओं के अंदर राजकोट में। अच्छा, उसमें कितनी गई है ना? हाँ, सीधी कीमत में 600 है। हाँ, गोवर्धन गौशाला में 400 जितनी, 400-450, फिर 1000 से 1100 हो गई, फिर लगभग 5000 से ऊपर होंगी। छोटी बड़ी बहुत 50 गई है, 100 गई है, किसी गई 200-300, यानी 5000-4000 गाय तो जरूर, उससे ज्यादा ही है, उससे ज्यादा है, बहुत गौशाला इसकी उससे ज्यादा है। अच्छा, ये जो गायों के लिए सामग्री आप लोग लेके आते हो, ये सिर्फ अपने ही शाखाओं से, अपने ही किसी का डोनेशन? कोई डोनेशन, प्राइवेट संस्था, ORG जो वगैरह होती हैं, किसी के पास हम जाते नहीं है, अपने आप जो होते हैं हमारे घर से। हम जो जितने ग्रुप हमारे 10-12 है, पुराना 12-15 साल पहले जो था वही ग्रुप, उसको बोलते हैं कितना। आपके ग्रुप का क्या नाम है? सब शास्त्रूप युवक मंडल, शास्त्रूप युवक मंडल। ये शास्त्रूप की हवेली है या महाप्रभु जी की जगह है और ये यमुना जी की छवि है। विशेषता ये है कि यहाँ 15 साल में कोई भी शनिवार चुका नहीं, एक शनिवार भूकंप के बाद 2001 में था, बाकी एक शनिवार चुका नहीं है। और दूसरी, 1300 गया का लड्डू 1300 किलो बनाया था, रविंद्र बाबा बिराता था, 1300 किलो 250 घंटे में 1300 किलो सामग्री हो गई, 1300 किलो। बल्लभ की बलियारी, बल्लभ की बलियारी। आपने ब्रज84.com से बातचीत की, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हमने 2 बार ब्रज यात्रा की है। अच्छा, रविंद्र बाबा, राजू बाबा कड़ीवाला, उसमें दो में, अब फिर भगवत बाबा में अभी गए थे, गए थे। हमको कहीं नहीं दी गई आप? नहीं, 12 दिन साथ में था। अच्छा, 12 दिन थे पहले, लास्ट 12 दिन। तो मैं ब्रज यात्रा 2012 सर से कर रहा हूँ, 2009 में 2011 में की यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे बहुत हमको खुशी हुआ, बहुत बहुत आपको। जय जमुना मैया, जय जमुना मैया।